हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय टेक। स्टडी बाय टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स थर्ड मई 2018 इन हिंदी, करंट अफेयर्स 3 मई 2018 के हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी की जयंती की योजना बनाने के लिए बैठक। राष्ट्रपति कोविंद अगले साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति के लिए स्थापित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 114 सदस्यीय समिति जयंती की स्मृति के लिए नीतियों, योजनाओं और प्रारंभिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। जयंती 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2020 तक मनाई जाएगी। अगली न्यूज, डीओटी ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया। दूरसंचार विभाग पर सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 उर्फ राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का मसौदा अपलोड किया गया है। सार्वजनिक लाभ के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के रूप में स्पेक्ट्रम को पहचानने का मसौदा वार्ता में प्रमुख रणनीतियों में से एक है। मसौदा 2020 तक ग्राम पंचायतों और 2022 तक 10 GBPS के लिए 1 GBPS कनेक्टिविटी का प्रस्ताव है। भारत के 14 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित हैं। WHO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और वाराणसी 14 भारतीय शहरों में से एक है, जो 2016 में PM2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। अन्य भारतीय शहर कानपुर, फरीदाबाद, गया, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला और जोधपुर थे। PM2.5, सल्फेट, नाइट्रेट और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक शामिल हैं। RBI ने FPI को ट्रेजरी बिलों में निवेश करने की अनुमति दी। विदेश निवेश नियमों को आसान बनाना RBI ने 1 मई को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों में निवेश करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति दी थी। RBI ने FPI से ऋण उपकरणों में अपना कुल एक्सपोजर कम करने के लिए कहा। ट्रेजरी बिल सरकार के उधार उपकरणों को अल्पकालिक हैं। सुभाष चंद्रा को IRDI अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी सुभाष चंद्र खुटिया को 3 साल तक भारत के बीमा नियंत्रक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। TS विजयन का स्थान लेंगे, जिन्होंने फरवरी में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित की गई थी। IRDI देश के बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। सलाह ने लेखकों के फुटबॉल ऑफ द ईयर का नाम दिया। लिवरपूल आगे मोहम्मद सलाह को फुटबॉल राइट्स एसोसिएशन कलर ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है। मिस्र स्टार पुरस्कार का पहला अफ्रीकी विजेता अप्रैल में पेशावर फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता था। सलाह ने इस सीजन में लिवरपूल के लिए 34 लीग उपस्थितियों में 31 गोल किए हैं। नासा पृथ्वी के बर्फ और पानी को ट्रैक करने के लिए नासा अपने गुरुत्वाकर्षण वसूली और जलवायु प्रयोग फॉलो ऑन मिशन के आगामी लॉन्च के लिए तैयार है। मिशन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता का पता लगाकर दुनिया भर में पानी और बर्फ में परिवर्तनों को मानचित्रित करेगा और इसमें 2 समान अंतरिक्ष यान शामिल होंगे जो पृथ्वी को कक्षा में होंगे। मिशन नासा और जर्मनी के भूवैज्ञानिकों के लिए GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर के बीच एक संयुक्त परियोजना है।
थैंक यू, धन्यवाद।